गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो गाइस मैं हो चुका हूँ रेडी जिम जाने के लिए। अभी टाइम हो रहा है 7:30। यार गाइस इतना आलस आता है ना, अभी जैसे जैसे गर्मी नज़दीक आ रही है ना, अभी गर्मियाँ स्टार्ट हो गई, ऑलमोस्ट एक हफ्ते से गर्मी बढ़ गई है। सो सुबह उठता हूँ ना, ऐसा लगता है छोड़ो ये सब जिम वगैरह, सोता हूँ आराम से 2 घंटा, लेकिन जिम जाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। आलस से कुछ नहीं हो सकता, यहाँ तक कि मैं अगर 2 दिन लगातार छुट्टी लेके सो भी लूँ ना, 24 घंटे पूरा सोऊँ मैं, तब भी अगले दिन उठने में मुझे तकलीफ़ होगी ही होगी, जॉब पे जाने में, जिम में जाने में तकलीफ़ होगी। सो यही सब वो होता है कि डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी मायने रखती है। यही सब आपने कंट्रोल कर लिया अपने बॉडी पे, अपने मन पे, अपने दिल पे, तो आप जो अचीव करना चाहते हो, भले ही वो फिजिक हो, वो जॉब हो, जिम हो, एनीथिंग, आप वो अचीव कर लोगे, आपका गोल अचीव कर लोगे। सो बस उसी तरह हम लोग भी अपना गोल अचीव करने के लिए, अभी मैं उठ चुका हूँ, चलता हूँ, प्री वर्कआउट जो मील होता है लड्डू मैं खा लिया हूँ, फ्रेश हो गया हूँ, अब चलता हूँ फटाफट, प्रथमेश को कॉल करता हूँ और निकलते सीधा जिम के लिए। आज हिट करेंगे चेस्ट एंड ट्राइसेप, और आज मैं सोच रहा हूँ डंबल वेरिएंट की जगह बारबेल वेरिएंट में जाऊँ, बिकॉज काफ़ी पिछले 3-4 सेशन से हम लोग डंबल ही परफॉर्म कर रहे हैं। सो आज बारबेल हिट करेंगे और ट्राइसेप तो नॉर्मल ट्राइसेप का जो वेरिएंट है वही रखेंगे। सो चलो चलते फटाफट जिम में और वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। तो गाइस वर्कआउट फिनिश करके हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे गार्डन के पास, ये चेक करो, और आज की अभी की लेटेस्ट ताज़ा खबर है कि बारिश हुई है, चेक करो, पूरा मौसम एकदम सुहाना हो गया है पूरा, इसलिए मैं इस साइड से आया। नॉर्मली मैं दूसरे रूट से जाता हूँ घर पे, लेकिन क्लाउड देखो और वेदर देखो और इसका चेहरा देखो कितना अच्छा लग रहा है। सो इग्नोर, तो मस्त वेदर हुआ है, ऐसा लग रहा है कहीं घूमने जाने को,
ठंडा मौसम हो गया पूरा, मुझे लगा था कि बारिश होगी तो गर्मी हो जाएगी, लेकिन मौसम ठंडा हो गया। अब चलते हैं घर पे, यहाँ से थोड़ा सिनेमेटिक शॉट आप एंजॉय करो। इसको पीछे कैमरा देता हूँ, पता नहीं वो सिनेमेटिक शॉट कौन साले हत्तिका जा रहा है। हत्ती नहीं है साले, कचरे की गाड़ी है, खराब हो गई हो। तो सिनेमेटिक शॉट कैसा आएगा पता नहीं, ये वीडियो लेगा, बट एंजॉय करो व्यू का। मैं घर पे आ चुका हूँ और अभी टाइम हो रहा है 10 o'clock, 10 बज गया। आज काफी टाइम पास हो गया बाहर, बिकॉज बारिश की वजह से थोड़ा डिले हो गया। उसके बाद नीचे बिल्डिंग में एक मिल गए थे दोस्त, उनसे बात करने लगा। और उसके अलावा बात करूँ तो मेरे को यहाँ पे इंजरी जैसा लग रहा है, थोड़ा सा लाइक मोच जैसा लग रहा है बैक में, शोल्डर में नहीं बैक में। मैं जब चेस्ट वर्कआउट फिनिश किया तो मैं जब ट्राइसेप के लिए बोथ आर्म्स डंबल बिहाइंड द नेक का वार्म अप कर रहा था, तब मुझे इधर फील हुआ। और अभी मैं राइट साइड इजीली टर्न कर रहा हूँ, सामने कुछ मूवमेंट करने में नहीं हो रहा है, लेकिन जब मैं लेफ्ट साइड में टर्न कर रहा हूँ सो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा स्टिफनेस फील हो रहा है। देखता हूँ, उस पर स्प्रे वगैरह मारता हूँ, ठीक करता हूँ, बिकॉज कल बैक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं, बैक एंड शोल्डर है, सो ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम बड़ा ना हो जाए। उसके अलावा ये आ चुका है हम लोग का फर्स्ट मील, यहाँ पे है मसाला ओट्स। और मौसम के हिसाब से आज मन कर रहा था फाफड़ा जलेबी खाने का, तो मैंने ले लिया जलेबी और फाफड़ा। सो चलता हूँ फटाफट ये अपना मील फिनिश करता हूँ, फिर मिलता हूँ आप लोग से। सो हे गाइस, मैं नहा धो के हो चुका हूँ रेडी अपने ऑफिस को निकलने के लिए। और अभी टाइम हो रहा है 12:15, 12:15 हो रहे। आज भी मैं हो चुका हूँ लेट। एक्चुअली जिम से आता हूँ ना तो थोड़ा सुस्त हो जाता हूँ मैं, वीडियो एडिट वगैरह करने में थोड़ा लेट होता हो जाता है, डिले हो जाता है, फिर फर्स्ट मील लेता हूँ, फिर नहाने जाता हूँ, फिर शेविंग वगैरह करना रहता है। सो इस वजह से पिछले 2 दिन से काफ़ी लेट हो रहा है और अभी भी मैं लेट हो गया, इसलिए मैं अपना जो सेकेंड मील है प्रोटीन शेक वो स्किप कर रहा हूँ, बिकॉज अभी वो मैं बनाऊंगा फिर वो पीऊंगा, वो कैसा थिक रहता है और थिक पीने में टाइम लगता है। लास्ट के मोमेंट में वो जो लास्ट की 2-3 घूंट रहते हैं ना, वो आप लोगों को पता है, जब लास्ट में पियो ना तो थोड़ा सा बाहर आता है सब कुछ, ऐसा लगता है वापस आ जाएगा सब जो भी आपने पी है। सो उस वजह से मैं वो वेस्ट करना फेंकना नहीं चाहता, इसलिए मैं वो स्किप कर रहा हूँ। रात को देखूंगा, आऊंगा तो सिर्फ मिल्क में प्रोटीन शेक मिला के पी लूंगा, स्किप नहीं करूंगा, बट थोड़ा सा डिले कर देता हूँ। उसके अलावा मेरे पास, मैं कभी भी अपने बैग में कैरी करता हूँ योगा बार का प्रोटीन बार, बिकॉज मुझे पता है अगर मेरी कोई मील स्किप हो गई या मैं किसी भी मील के बीच में मुझे भूख लग गई अचानक से, योगा बार मुझे हेल्प करता है मेरी वो क्रेविंग्स और जो मील के बीच में जो गैप होता है उसे फिल करने के लिए। क्योंकि आप इसमें नोटिस करें, यहाँ पे इस योगा बार में है 8 grams ऑफ प्रोटीन, 50 grams की सर्विंग में ये 8 grams प्रोटीन दे रहा है आपको। और ये ब्रेकफास्ट स्पेशल है, लाइक ब्रेकफास्ट वगैरह कई बार आप स्किप कर देते हो या आपको जिम जाना होता है उसके लिए प्री वर्कआउट नहीं होता है, तो ये बेस्ट प्रोटीन बार है। बिकॉज यहाँ पे आप नोटिस करो आपको क्या क्या मिल रहा है इसके अंदर, 18 grams होल ग्रेन मिल रहे हैं, 8 grams प्रोटीन मिल रहा है, फाइबर एंड प्रोटीन रिच ये बार है आपको। और ये कौन सा एप्रिकॉट फिक फ्लेवर है फिलहाल मेरे पास। और इसके न्यूट्रिशन फैक्ट की बात करूँ तो इस छोटे से 50 ग्राम्स के बार में आप इमेजिन नहीं करोगे हम लोग को कितनी कैलोरीज मिल रही है। 221 ग्राम्स ऑफ कैलोरीज हमें मिल रही है इस छोटे से 50 ग्राम्स के बार में। जहाँ पे लोग बड़ी बड़ी कोई मील खाते हैं वहाँ पे उनको 150-200 ग्राम्स कैलोरीज मिलती है, लेकिन इस छोटे से बार में 221 ग्राम्स कैलोरीज है। उसके अलावा प्रोटीन है 8.3 ग्राम्स, इसमें फैट है 7.7 ग्राम्स, सैचुरेटेड फैट इग्नोर, ओके, ओमेगा है, ट्रांस फैट है, कोलेस्ट्रॉल 0.0, ओमेगा 3.4 ग्राम्स ओमेगा इसमें, डाइट्री फाइबर है 7.1 ग्राम्स, टोटल कार्ब्स इसमें मिलेगा आपको 30 ग्राम्स, देन शुगर 13 ग्राम्स है इसमें, शुगर थोड़ा स्वीटनेस के लिए। सो ओवरऑल आप बात करें इस योगा बार के प्रोटीन बार की, तो ये बेस्ट है आपको अगर कहीं ट्रैवल में हो, आप मील नहीं कैरी कर पा रहे हो, या आपने एक मील ले लिया अभी और दूसरे मील के बीच में जो गैप है उसमें आपको भूख लग गई है या क्रेविंग हो रही है कुछ चॉकलेट या बार का खाने के लिए, तो योगा बार का प्रोटीन बार लो और अपनी जो मील है स्किप करने से बचाओ। मैं भी अभी फिलहाल मैंने इसके थोड़े ही पैकेट्स लाए थे डीमार्ट से, लेकिन मैं अब सोच रहा हूँ इसका पूरा जो बॉक्स होता है वो लेके आऊँ, बिकॉज ये कैरी करना बेस्ट होता है, मुझे ऐसा लग रहा है अब ये कैरी करना बेस्ट रहेगा अपनी मील स्किप करने से, अच्छा आप ये से ले सकते हैं। बेसिकली बोलूँ तो ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है योगा बार का। सो मेरे पास 2 फ्लेवर थे अभी फिलहाल, एप्रिकॉट फिक खाते हैं, ट्राई करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टाइम कभी मैं आपको वो दूसरे फ्लेवर की रिव्यू एंड टेस्ट बताऊंगा। टेस्ट की बात करूं
टेस्ट भी अच्छा है, लाइक आपको अगर आप लोग ओट्स कंज्यूम करते होगे शेक के साथ या नॉर्मल ओट्स खाते होगे मील में, तो ये सेम ओट्स का टेस्ट आ रहा है आपको यहाँ पे। और जो ये एप्रिकॉट बोला है, इसमें एप्रिकॉट के फ्लेवर की स्मेल और हल्का हल्का सा टेस्ट आ रहा है, सो आपको ये खाने में प्रॉब्लम भी नहीं होगी। और मैं बोलता हूँ अगर 50 ग्राम्स में आपको टेस्टलेस भी मिलता है ये प्रोटीन बार, सो आपको वो बेनिफिट्स उसके दुगना दे रहा है। सो बेस्ट है ये योगा बार के प्रोटीन बार्स। मैं इसका लिंक अगर हो सकेगा तो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके वहाँ से बाय करो। और अपना जो मील स्किप हो रहा है, आप लोग का मील स्किप हो रहा है या क्रेविंग्स की वजह से आप बाहर का कोई चीट मील खा ले रहे हो, तो ये अपने साथ रखो और अपनी डाइट और अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए इसे यूज़ करो। सर गाइज, मैंने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है और वेदर चेक करो, जैसे ही बारिश हो जाती है ना मज़ा आ जाता है, वेदर एकदम अलग ही हो जाता है, एकदम डिफरेंट वेदर हो जाता है। बाकी पहली बारिश, दूसरी बारिश, तीसरी बारिश, चौथी बारिश तक मज़ा आता है, उसके बाद गुस्सा आने लगती है। बिकॉज आज ही एक ही दिन ही बारिश हुई थोड़ी सी, 10-15 मिनट, पूरा गाड़ी गंदी, चीकड़ जो भी उड़ता है पीछे से बाइक के, सब खराब कर देती है गाड़ी। ये देखो बाइक क्या पैक हुआ है यार, पूरा खचा खच भरा है बाइक पार्किंग से। चलता हूँ मैं भी फटाफट, निकलता हूँ और मिलता हूँ आप लोग से थोड़ी देर बाद। सो गाइस, दोपहर के 4 बज चुके हैं और मैं आ चुका अपना लंच करने। आज है आलू के पराठे, आज हम कार्ब्स लोड करेंगे, साथ में है सैलड सॉस और हीट बहुत हो रही थी तो ये लस्सी। कितना ml है ये, 180 ml मुझे अराउंड 30 rupees का पड़ा। सो चलता हूँ फटाफट, ये अपना जो लंच है फिनिश करता हूँ, फिर मिलता हूँ आप लोग। चल गाइस, मैं घर पे आ चुका हूँ और 12 बज रहे हैं, आज लेट हो गया हम लोग को, आधा घंटे लेट हुए हम लोग। नॉर्मली 11:30 बजे तक मैं घर पे आके फ्रेश वगैरह हो जाता हूँ, लेकिन आज 12 बज गए हम लोग को। खैर जो भी है, ये आ चुका हम लोग का आज का डिनर यहाँ पे, 2 आलू के पराठे, राइस, दाल, आलू की सब्जी और सॉस। सो मेरे को यार गाइस, दुनिया का सबसे बोरिंग खाना लगता है दाल राइस, और मेरे को बिल्कुल नहीं दाल राइस पसंद है। अभी बना दिया है, मुझे खाना पड़ेगा मजबूरन। मेरे को पता रहता ना आज दाल राइस है खाना, तो मैं बाहर से बिरयानी खा के आया होता है, बिरयानी ऑर्डर कर दिया होता, कुछ भी किया होता, खा के बाहर आया होता, लेकिन ये नहीं खाता मैं। बस दाल राइस से मुझे सख्त नफरत है, जबकि बहुत लोग को मैंने सुना है कि बोलते हैं दाल राइस जैसा कोई खाना ही नहीं है, लेकिन मेरे को दाल राइस बिल्कुल नहीं पसंद, बिल्कुल भी नहीं पसंद। खैर जो भी, अब बन गया है, खाना पड़ेगा, बिकॉज नहीं खाऊंगा तो भूखे सोना पड़ेगा, इससे अच्छा खा लेता हूँ और मिलता हूँ फिर आप लोग। सर गाइस, खाना पीना हो चुका है और 1 बज चुका है, मुझे 1 घंटे लग गए खाना खाने में, क्योंकि दाल चावल था खाने में, इसलिए मैं बोलता हूँ आप लोग को मुझे दाल राइस पसंद नहीं है, बिकॉज वो खाना खाने में मुझे बहुत टाइम लगता है और उसके अलावा उसमें मुझे टेस्ट स्वाद नहीं लगता है। बिकॉज मानता हूँ वो खाना बहुत हेल्दी है, बिकॉज दाल में जितना प्रोटीन है उतना और चीज़ों में नहीं है, बट नहीं पसंद तो नहीं पसंद, क्या करूँ। बहुत लोग मुझे बोलते हैं भाई कैसा आदमी तुझे दाल राइस नहीं पसंद। मेरा भाई अमन, उसको दाल राइस इतना पसंद है, उसका फेवरेट है दाल राइस, लेकिन मैं जब उसको बोलता हूँ मेरे को नहीं पसंद नहीं खाना, तो हंसता है मुझ पर। सो बस वही सब सीन है, अभी चलता हूँ सोता हूँ, आज बहुत नींद आ रही है मुझे, इतने दिनों से ये जो काम चल रहा है ना, पिछले 6-7 दिनों से, और आने वाले 6-7 दिन भी बहुत बिजी होने वाले हैं, बिकॉज स्टोर में ऑडिट वगैरह होने वाली है, सो उसके लिए पूरा स्टॉक वगैरह प्रॉपर रेडी अप टू डेट रखना है। फिर एक दिन स्टोर में अराउंड 5th या 6th को स्टोर में मैनेजर आने वाले हैं, देन जो एरिया मैनेजर है वो आने वाले हैं वापस, फिर जो VM होते हैं वो आने वाले हैं, सो काफ़ी लोग विजिट करने वाले हैं, सो सब कुछ ध्यान देना पड़ रहा है, काम करना पड़ रहा है इसलिए बहुत ज़्यादा। सो चलता हूँ अभी, आज के ब्लॉग में आज का दिन भी वैसा ही गया था अपना डेली के दिन की तरह, अभी चलता हूँ सोता हूँ और मिलता हूँ आप लोग से कल के ब्लॉग में। आई होप आपको ये आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो इसे लाइक करें, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करें। सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर, गुड नाइट।